YouTube चैनल, आप सभी का हमारे YouTube चैनल में स्वागत है। इस वीडियो में हम लोग सीखने वाले हैं स्क्वायर रूट फाइंड कैसे करते हैं, अर्थात वर्गमूल कैसे फाइंड कर सकते हैं। हम वर्गमूल फाइंड करने के बेसिक तरीके को सीखेंगे, ठीक है। तो देखते हैं पहले स्क्वायर रूट। स्क्वायर रूट का हिंदी होता है वर्गमूल। तो अगर हमें स्क्वायर रूट सीखना है, वर्गमूल सीखना है, तो सबसे पहले हमें स्क्वायर आना चाहिए, वर्ग निकालने आना चाहिए। तो देखते हैं स्क्वायर क्या होता है। तो स्क्वायर, अगर हम किसी भी नंबर का स्क्वायर फाइंड करते हैं तो उस पर पावर 2 लगा देते हैं। जैसे a पर पावर 2 तो a इंटू ए, जैसे 2 पर पावर 2 तो 2 इंटू 2 तो हो जाएगा 4, 3 पर पावर 2 3 इंटू 3 आएगा आपका 9, 4 पावर 2 4 इंटू 4 आएगा आपका 16, 5 स्क्वायर 5 इंटू 5 तो हो जाएगा 25। तो इस प्रकार हम स्क्वायर फाइंड कर सकते हैं, बेसिक चीज है। अब स्क्वायर रूट क्या होता है, थोड़ा सा स्क्वायर और स्क्वायर रूट में अंतर को हम लोग समझते हैं। इसमें वर्गमूल फाइंड करना है, ठीक है। तो वर्गमूल फाइंड करना अर्थात स्क्वायर रूट इसको फाइंड करना है, तो ऐसे हम लोग समझते हैं। अभी आगे आपको बताऊंगा कैसे फाइंड किया जाता है। तो 9 का फैक्टराइजेशन कर दीजिए तो 3 इंटू 3 तो क्या आएगा, इसमें पेयर बना देते हैं तो आता आपका 3। लेकिन यह पेयर क्यों बनाया जाता है, दो दो का जोड़ा क्यों बनाया जाता है, क्या रीजन है, इसको समझते हैं। आप देख सकते हैं अगर रूट 9 लिखा है तो हम इसको इस प्रकार फैक्टराइज कर लेते हैं 3 इंटू 3। तो हमारे पास यह इंटू करना है इसको, तो 3 का 3 में इंटू करेंगे तो क्या आएगा, 3 पर पावर 2 आएगा, ठीक है। इसके बाद हमें पता है कि रूट का पावर 1/2 होता है, तो 3 पर पावर 2 और रूट का जो पावर होता है 1/2 होता है। अब हमें क्या करना है, इसका इंटू करना है। इसका इंटू करेंगे 3 2 इंटू 1/2 तो 2 2 कैंसिल हो जाएगा तो आएगा आपका 3। तो अब आपको समझ में आ गया होगा कि हम पेयर क्यों बनाते हैं, जोड़ा क्यों बनाते हैं। जोड़ा इसलिए बनाते हैं क्योंकि इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो उसका जो पावर होता है 2 होगा, तो उसमें से केवल एक ही लेना है, अर्थात डिवाइड करके आप देख सकते हैं एक ही बार आया है रूट से। तो इसलिए हम लोग क्या करते हैं, उसमें पेयर बना देते हैं और आसानी से एक एक लेकर मल्टीप्लाई कर देते हैं। स्क्वायर और स्क्वायर रूट में क्या अंतर है, तो आप देख सकते हैं 3 का स्क्वायर 9 आया है और 9 का स्क्वायर रूट 3 आया है, ठीक है। 3 का स्क्वायर 9 रूट 9 अर्थात 9 का स्क्वायर रूट 3 आया है, 3 का वर्ग 9 और 9 का वर्गमूल 3। तो आपको अंतर समझ में आ गया होगा कि स्क्वायर और स्क्वायर रूट में क्या डिफरेंट है। अब हम लोग देखते हैं स्क्वायर रूट फाइंड करने के कितने मेथड होते हैं और किस प्रकार फाइंड करते हैं। देयर आर टू मेथड टू फाइंड स्क्वायर रूट, फर्स्ट प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, सेकेंड डिवीजन मेथड। प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड को हिंदी में कहते हैं गुणनखंडन विधि और डिवीजन मेथड को हिंदी में कहते हैं भाग विधि। तो अब हम एक एक को अलग अलग देखते हैं कि इनका क्या प्रोसेस है, कैसे फाइंड किया जाता है। तो एग्जाम्पल के द्वारा समझते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से किस प्रकार स्क्वायर रूट फाइंड करते हैं, डिवीजन मेथड से किस प्रकार फाइंड करते हैं। तो हमारे पास एक नंबर यहाँ पे लिखा गया है रूट 1764, इसे हमें स्क्वायर रूट फाइंड करना है क्योंकि यह रूट में लिखा गया है। तो सबसे पहले हम प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से इसका स्क्वायर रूट फाइंड करते हैं। तो प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड का प्रोसेस क्या है, सबसे पहले जो दिया हुआ नंबर होगा अर्थात गिवेन नंबर को हम लोग प्राइम फैक्टराइज करेंगे, ठीक है। और प्राइम फैक्टराइज करने के बाद उसे इनटू में राइट करेंगे। इनटू में राइट करने के बाद हम सेम नंबर का पेयर बनाएंगे, दो दो का जोड़ा बनाएंगे और फिर उसके बाद उन पेयर में से एक एक नंबर को ले लेना है, उसके बाद उन सभी का मल्टीप्लाई कर देना है। जो मल्टीप्लिकेशन आएगा वही उस नंबर का स्क्वायर रूट मिलेगा, ठीक है। तो देखते हैं सबसे पहले क्या करना है, इसका फैक्टराइजेशन करना है। तो 1764 2 से डिवाइड करेंगे, 17 8 टाइम 1 कैरी 8 टाइम्स, इसके बाद 2 से डिवाइड होगा 4 4 1, इसके बाद 3 से डिवाइड करेंगे तो 1 टाइम्स, इसके बाद 1 कैरी चला जाएगा इसमें 14,
तो फोर टाइम्स इस, तो यहाँ पर टू बच रहा है, टू कैरी चला जाएगा 21, तो सेवन टाइम्स इसके बाद थ्री से डिवाइड करेंगे तो 14, थ्री फोर जा 12, तो टू कैरी भी बचेगा, तो आपका फोर टाइम्स इसके बाद टू कैरी तो 27, थ्री नाइन जा 27, नाइन टाइम्स इसके बाद सेवन से डिवाइड करेंगे तो सेवन टाइम्स इसके बाद आ जाएगा 1। अब इसको इस प्रकार हम राइट करेंगे, रूट 1764 इक्वल रूट, अंडर रूट करने के बाद इन सभी नंबर को इनटू करके लिख देना है, 2 into 2, 3 into 3, 7 into 7। अब इनका जो सेम नंबर है उनका पेयर बनाना है, तो इसका पेयर, इसका पेयर, इसका पेयर बन गया। अब इसके बाद क्या करना है, एक एक ले लेना है, इसका एक ले लेंगे, 2 into 2 है तो एक 2 लेना है, 3 into 3 है एक 3 लेना है, 7 into 7 एक 7 लेना है। अब इसका इनटू कर देना है, 7 3 जा 21, 21 2 जा 42। तो इस प्रकार हमने क्या किया, स्क्वायर रूट फाइंड कर दिया, किस मेथड से, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से। अब देखते हैं डिवीजन मेथड क्या होता है, तो डिवीजन मेथड में क्या करते हैं, सब इस प्रकार नंबर को राइट कर लेते हैं, उसके बाद राइट साइड से पेयर बनाते हैं, एक 2 बन गया, यहाँ पहला जो नंबर है 17 है, और 17 परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं है, अर्थात पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। तो हम देखते हैं 17 से पहले कौन कौन से नंबर हैं, तो 17 से पहले कौन कौन से नंबर होते हैं, 16, 15, 14, 13 इस प्रकार मिलेंगे। तो हमें देखना है इन सभी नंबर में परफेक्ट स्क्वायर नंबर कौन है, अर्थात पूर्ण वर्ग संख्या कौन है। अब यहाँ पे बात आती है पूर्ण वर्ग संख्या क्या होता है, तो पूर्ण वर्ग संख्या या परफेक्ट स्क्वायर नंबर उसको बोलते हैं जिसका स्क्वायर रूट हम लोग नंबर में फाइंड कर सकते हैं, जो डेसिमल में न आए, ठीक है। तो यहाँ देख सकते हैं 17 के बाद यहाँ पे लिखा गया है 16, 15, तो 16 जो नंबर है यह परफेक्ट स्क्वायर नंबर है, क्योंकि इसका अगर हम लोग स्क्वायर रूट फाइंड करते हैं 16 का, तो देख सकते हैं 2 into 2 into 2 into 2, एक एक ले लेना है तो 2 into 2 क्या आएगा, 4। तो 16 का स्क्वायर रूट 4 मिल रहा है, अर्थात हमें 4 को यहाँ राइट करना है, यहाँ राइट करना है, यहाँ राइट करना है, इसके बाद इस 4 का इसमें मल्टीप्लाई कर देना है 16, और यहाँ प्लस कर देना है, इसको ऐड करके इस प्रकार यहाँ लिखेंगे कि यहाँ कुछ प्लेस बच जाए, अर्थात जगह छोड़कर इधर राइट कर लेंगे 8 को। उसके बाद इसको माइनस कर लेंगे, तो माइनस करेंगे तो क्या मिलेगा, 1, यह कैंसिल हो जाएगा। इसके बाद यह जो नंबर है इसको यहाँ राइट करेंगे, दोनों डिजिट को लेकर राइट कर लेंगे 6, 4। अब क्या करना है, हमें इस यूनिट इकाई अंक को छोड़ देना है, तो बाकी जो नंबर है क्या मिलेगा, 16 मिलेगा। तो अब उस 16 को 8 से डिवाइड करना है, तो 8 से डिवाइड करेंगे तो 2 टाइम्स में डिवाइड हो जाएगा, यानी दो बार में कट जाएगा, तो 2 यहाँ राइट करेंगे, 2 यहाँ राइट करेंगे, 2 यहाँ राइट करेंगे, अब इसका इसे मल्टीप्लाई कर लेंगे तो 2 2 जा 4, यहाँ से लिखना स्टार्ट करेंगे। इसके बाद 2 8 जा 16, अब इनको माइनस कर लेंगे, 0 आ गया। तो आप देख सकते हैं इसका जो रिमाइंडर है वह 0 आ गया। जब रिमाइंडर 0 आ जाएगा तब हमें क्या करना है, उसको इस प्रकार राइट कर लेना है, रूट 1764 इक्वल 42। तो ये आपका डिवीजन मेथड, ये आपका प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। कुछ और भी एग्जांपल देखते हैं, तो देखते हैं स्क्वायर रूट 21344। पहले प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से देखेंगे, तो हमें सबसे पहले प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड में क्या करना है, इनका फैक्टराइजेशन करना है, जैसे आप एलसीएम करते हैं। तो हम इसको ऐसे यहाँ राइट कर लेंगे 2 1 3 4 4, इसके बाद देखते हैं किस किस नंबर से डिविजिबल है, तो 2 से पहले तो क्या आएगा 1,
अब यहाँ पर दो डिजिट एक साथ ले रहे हैं, दो अंक एक साथ ले रहे हैं, तो यहाँ पे आपको जीरो राइट करना है। इसके बाद 13, तो 6 आएगा। इसके बाद यहाँ वन कैरी बचा, इसमें चला जाएगा 14, 7 टाइम। इसके बाद 4 को 2 से डिवाइड करें, 2, इसके बाद यहाँ पे भी 2 आएगा। इसके बाद 2 से डिवाइड फिर करेंगे तो 5, 6 को 3, 7 को 3, 1 कैरी, तो यहाँ पे 6 आएगा, इसके बाद 1 आएगा। इसके बाद इसको 3 से डिवाइड करते हैं, तो 3 से डिवाइड करेंगे तो 5 को 3 से अगर डिवाइड करते हैं तो 1 टाइम्स। इसके बाद यहाँ पे 2 कैरी मिलेगा तो 23 हो गया। तो 23 को 3 से डिवाइड करेंगे तो 21 7 बार में जाएगा और आपका 2 कैरी मिलेगा। फिर वो 2 इसके साथ आ जाएगा 23, फिर 7 बार, यहाँ पर फिर 2 मिल रहा है तो 26 हो गया। तो 26 यानी 3 8 जा 24, तो 2 कैरी फिर मिलेगा तो 8 टाइम्स, और फिर आपका 21, तो यहाँ आपका 7 टाइम। फिर इसको 3 से डिवाइड करेंगे तो 3 5 जा 15, 5 टाइम्स, 2 कैरी, तो 27, 9 बार, 8, 2 बार, 2 कैरी, उसके बाद 9 टाइम। इसके बाद हमें क्या करना, 3 से डिवाइड नहीं होगा, अब हमें इसको 7 से डिवाइड करना है। अब 7 से डिवाइड करते हैं तो 56, 8 बार में यहाँ पर 3 कैरी मिला तो वह इसमें आ जाएगा तो 32, तो आपका 4 टाइम्स 28, यहाँ पर 4 कैरी 49, 7 टाइम। फिर 7 से डिवाइड कर दीजिए, 1 टाइम 1 इसमें आ गया 14, तो 2 टाइम्स यहाँ पे फिर 1 टाइम। इसके बाद फिर इसको हम लोग डिवाइड करते हैं 11 से, 11 बार में 11, यहाँ पर 1। अब इसके बाद हमें क्या करना है, ये प्रोसेस हो गया यानी फैक्टराइजेशन हो गया एलसीएम की तरफ। अब इसके बाद हमें क्या करना है, अब इसको राइट कर लेना है। तो ऐसे आप राइट करेंगे रूट 2 1 3 4 4 4। अब ये आप यहाँ राइट कर लिए, अब जो फैक्टराइजेशन किए हैं उस नंबर को राइट कर लेंगे तो 2 into 2, 3 into 3, 7 into 7, 11 into 11। अब क्या बनाना है, पेयर बनाना है, तो पेयर बनाएंगे तो एक एक ले लेना है, एक इसमें से, एक इसमें से, एक इसमें से, तो यहाँ पर 2 मिलेगा, यहाँ 3 होगा, यहाँ 7, यहाँ 11। अब इसका इनटू करते हैं तो 11 7 जा 77, 77 का 3 मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा आपका 231। अब 231 में 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 462। तो इस प्रकार हम 21344 का स्क्वायर रूट निकाले हैं प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से, तो आया है 462। अब इसी क्वेश्चन को हम डिवीजन मेथड से करते हैं, ठीक है। तो डिवीजन मेथड में प्रोसेस क्या है, ऐसे आपको करना है, अब इस नंबर को यहाँ राइट करना है 2 1 3 4 4 4। अब राइट साइड से पेयर बनाना है तो एक यहाँ पे, दो हो गया या तीन हो गया, ठीक है। अब 21 है तो 21 तो परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं है, पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है, तो उसके नीचे वाले नंबर को देखेंगे कौन मैक्सिमम परफेक्ट स्क्वायर नंबर है, तो 16 है, तो यहाँ भी हमारे पास 4 आएगा, 4 4 4, इसको प्लस कर लेंगे तो यहाँ पे 8 हो जाएगा, यहाँ पे 16 माइनस कर लेंगे तो 1 इसमें कैरी आएगा तो 5 होगा और ये आपका कैंसिल हो जाएगा। इसके बाद इन दोनों को यहाँ राइट कर लेंगे 3 4। अब 4 को छोड़ देना है, अर्थात यूनिट वाले डिजिट को छोड़ देना है, इकाई के अंक को छोड़ देना है, बाकी जो डिजिट बनेगा उससे जो नंबर बन रहा है उसको यहाँ पे ऐड करने पे जो नंबर आएगा उससे डिवाइड करते हैं। तो डिवाइड करते हैं तो यहाँ पर कितना बार में डिवाइड हो जाएगा, 8 6 जा 48, तो यानी 6 टाइम, 6 6। अब इसका इनटू करके यहाँ राइट कर लीजिए तो 6 6 जा 36, इसके बाद 6 8 जा 48,
फोर्टी एट में थ्री कैरी ऐड कर दीजिए 51, इसको प्लस करते हैं तो 29। अब यहाँ पे माइनस कर लेंगे, तो माइनस करेंगे तो क्या मिलेगा, 14 में से 6 माइनस करेंगे 8 आएगा, यहाँ पर 2, 2 में से 1 तो 1, इसके बाद इसको राइट करते हैं 4, 4। अब इस 4 को छोड़ देना है, यूनिट को छोड़ देना है, इकाई को छोड़ देना है, बाकी जो नंबर बना है उससे डिवाइड करना है, तो 184 अर्थात 184 को 92 से डिवाइड कीजिए, तो कितना बार में डिवाइड होगा, 2 टाइम्स, तो 2 टाइम्स से कट रहा है तो 2 यहाँ राइट करेंगे, यहाँ राइट करेंगे, यहाँ राइट करेंगे, और इसके बाद कर देंगे मल्टीप्लाई, तो इसका मल्टीप्लाई करेंगे 2 2 जा 4 2 2 जा 4 2 9 जा 18, इसके बाद माइनस कर लेंगे तो यहाँ पर रिमाइंडर क्या आ गया, 0 आ गया। तो इस प्रकार हमने इसका स्क्वायर रूट निकाल दिया 2 1 3 4 4 4, तो इसका स्क्वायर रूट यहाँ जो नंबर है मिल गया 4 6 2। तो आप देख सकते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, डिवीजन मेथड। अब कुछ और भी एग्जांपल देखते हैं।